हमारे महल्ले का विकास नहीं हो रहा है, हमारे महल्ले के अंदर लावारिस हो चुका है ये महल्ला, और हमारा मुतालबा ये अविक साहब से कि हमारे महल्ले का विकास किया जाए अभी भगतवाड़ी के अंदर। और दूसरी बात ये है कि हर मेंबरों को 10 लाख रुपए मिले हैं विकास के वास्ते, वो पैसे कहाँ जा रहे? हमारे महल्ले की साफ सफाई नहीं हो रही, हमारा महल्ला गंदगी से भरा हुआ है, नाले फुल हो चुके हैं, बच्चों को तकलीफ हो रही। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे स्कूल के बच्चे यहाँ से जाते हैं वो गिर रहे हैं, नमाजियों को तकलीफ हो रही, मस्जिद के सामने चिकड़ हो चुका है, नाले भर चुके हैं आखिर ये कर, और अगर यहाँ पर मैयत हो जाए तो उसका कोई विकास नहीं हो रहा है, और महल्ले के अंदर अंधेरा पड़ा हुआ है और लावारिस महल हो चुका हमारा, जनाजा ले जाने की तकलीफ हो रही। लिहाजा हमारा इस साथ से मुतालिबा है कि महल्ले का विकास किया जाए और महल्ले के अंदर इसको देखा जाए, ज़ईफ़ों को नमाज की तकलीफ हो रही है सब लोगों को, यहाँ पर पूरा वार्ड जो है सड़ चुका है यहाँ पर, और जो 10 लाख रुपए आए वो विकास के वास्ते आ चुके हैं, कोई खर्चा नहीं कर रहा है यहाँ पर, क्या किया जाए? आप इसका हमारा मुतालिबा है कि इसका विकास किया जाए। और हमारी भगतवाड़ी जो है ये लावारिस हो चुकी है, मस्जिद के अतराफ में आप देखो कितनी गंदगी हो चुकी है, नाले भर चुके हैं, हमने कहाँ पर जाना इंसाफ लेके? हम हमारे माँ बहनों से गुजारिश करते हैं, नौजवानों से गुजारिश करते हैं कि अगर ऐसा काम नहीं होगा तो हम धरना दे देंगे जाकर। बिल्कुल सही। और रोटी के टाइम पे हमारे को ये वादा किया जाता है कि हम महल्ले का विकास करेंगे, भगतवाड़े को जन्नत बना देंगे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा? हमारे साथ में नाइंसाफी क्यों हो रही? यह महल्ले के अंदर जो पैसा आ रहा वो कहाँ जा रहा? अभी 10 लाख रुपए मिले हर मेंबर को, तो ये पैसे कहाँ जा रहे? लिहाजा हमारी गुजारिश ये है कि हमारे महल्ले का विकास किया जाए और हमारे महल्ले के अंदर जो तकलीफ हो रही है उसको दूर किया जाए।